हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, और ये और देख लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट और मार्क कर लीजिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो क्या है, 18 मिनट्स लेती है। ठीक है, एक राउंड जो लेती है जब वो, तो वो कितने मिनट्स लेती है, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है। ठीक है, वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि इस पूरे के कितने लेता है, सिर्फ 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, 12 मिनट्स उसने लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ही एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, और सेम टाइम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो कितनी देर बाद जो है, कितने मिनट्स बाद मीट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट कर लेंगे इसके अंदर। किससे फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सोनिया क्या कर रही है। सोनिया के 18 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड लेने में, तो 18 का जो है फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 × 3 की पावर आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, ये सोनिया के फैक्टर्स हो जाते हैं। रवि के देख लेते हैं, रवि के कितने हैं, दैट इज 12 मिनट्स। 12 मिनट्स के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज 2 का स्क्वायर × 3। ठीक है, ये दोनों हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम यूज कर रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, मिनट्स मिल जाएंगे कि वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं हम कॉमन में आपको सबसे बड़ी पावर दिख रही है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। इंटू 3 में आपका भी बड़ी पावर दिख रही है आपको, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 9 है आपका, इज इक्वल्स टू 36 मिनट्स। वो 36 मिनट्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, अब आप ये पूछो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आखिर क्यों यूज कर रहे हैं इसके अंदर। सिंपली अगर भी आप अपना आंसर देखो, तो 18 का अगर मैं देखूं, पहले उसने कितने राउंड लिए, एक राउंड में 18 मिनट्स, फिर उसने दूसरा राउंड लिया, तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके 36, फिर से कितने हो जाते हैं, एक थर्ड राउंड लेने लग जाती है, तो हो जाते हैं 54। ऐसे ही रवि की अगर मैं बात करूं, तो 12th में वो कितने लेता है, सबसे पहले 12, फिर उसके बाद आ जाएंगे उसके 24 सेकेंड राउंड, और फिर हो जाता है उसका 36। तो देखो 36 मिनट बाद दोनों मीट करेंगे, सोनिया का जो वो सेकेंड राउंड होगा और रवि का वो थर्ड राउंड होगा। इसीलिए हमने सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है। ठीक है जी, इतना क्लियर है मैंने क्यों यूज किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप ऐसे भी देख सकते हो 36 मिनट ही आएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो हमने सिंपली क्या किया, एलसीएम निकाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, और 36 मिनट्स हमें पता चल गया कि वो दोनों मीट करते हैं 36 मिनट बाद। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।